बज चुके हैं सुबह के 7 और लगभग 1 घंटे पहले मैं सो के उठा था और यहीं पर बैठा हूँ ऐसे ही। एक एक्स्ट्रा गद्दा और कंबल अलग से रखवा लिया था क्योंकि ज़्यादा लोग थे रूम में और मैं नीचे ही सोया था। बाबा बैठे हैं, बाबा के हाथ में कुछ लग गया था वहाँ पे मैहर में, उसमें लगाए हैं पट्टी। जहां पे बाबा को चोट लगी थी वहां पर जय माता दी की पट्टी फिलहाल बंधी हुई है। पापा हो गए हैं बिल्कुल तैयार नहा धो के और दीदी अभी तक सो रही है। मम्मी तुम तैयार हुई कि नहीं? जा रहे हैं बेटा नहाने के लिए। अच्छा ठीक, अभी हमको भी तैयार होना है, अभी हम भी तैयार नहीं हुए हैं। पापा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नहा धो के। दोस्तों नहा धो के निकल आए हैं बाहर। एक घटना मेरे साथ हो गई है कि मैं अपने कपड़े भूल गया हूँ घर में ही, तो अब जाके मुझे कहीं पर देखना है, कुछ मिल जाता है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर इन्हीं कपड़ों में आके सफर करना पड़ेगा। ये मेरे साथ बहुत ही गलत चीज हो गई है। फिर से आ गए हैं अपने स्थान पर वहीं पीछे और सारे लोग यहाँ आगे बैठे हुए हैं। सारे लोग अपने अपने कपड़े चेंज कर चुके हैं और मैं अपने कपड़े रास्ते में घर में ही भूल आया हूँ। ये है राम घाट। दोस्तों मैं आ चुका हूँ हनुमान धारा। हम लोग हनुमान धारा आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे रोपवे से जाया जा रहा है और चाहे तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लेकिन कल हम लोगों ने काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ाई की है, इस वजह से सब लोग थके हुए हैं और पैरों में सबके है दर्द। इसीलिए कोशिश करेंगे कि सारे लोग जाएंगे रोपवे से। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बैक कैमरे से हनुमान धारा का दृश्य। हम लोग जाएंगे रोपवे से और रोपवे के पास तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके, और अभी आपको दिखाते हैं रोपवे के अंदर से क्या नज़ारा होता है। दद्दा ले रहे हैं रोपवे की टिकट और जैसे ही टिकट मिलती है फिर हम लोग जाएंगे रोपवे से ऊपर हनुमान धारा की तरफ। ये एक इधर दद्दा बना रहे हैं अपना ब्लॉग और इधर दीदी बैठ गई हैं। यहाँ के इंस्ट्रक्शंस ये हैं, कहाँ जाना है? यहाँ के इंस्ट्रक्शंस ये हैं, केबिन के दरवाजे को स्पर्श ना करें, चलते हुए केबिन में खड़े मत, और ये चल रहा है केबिन में स्थान परिवर्तित ना करें, धूमपान करना और मसाला खाना हर जगह निषेध होता है, यहाँ पर भी निषेध है। Thank you.
बड़ा कुआं मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है भाई साहब। ये कितना शानदार कुआं और निकल गया है नीचे, आप देख सकते हैं कि उसका एरिया यहाँ से वहाँ पे लास्ट में गाड़ी खड़ी हुई है। हम लोग इतना ऊंचाई पर आ गए हैं और ये पूरा चित्र नीचे देखने में काफी ज्यादा लग रहा है डर। नीचे छोटी छोटी हम लोगों को पहुंचना है बिल्कुल ही ऊंचाई तक। ये देखिए सीढ़ियों से लोग जाते हैं, इस तरह से सीढ़ियों से लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। हनुमान धारा हम आपको दिखा। मेरा पहला टाइम है रोपवे में बैठने का और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लग रहा है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप रोपवे में बैठेंगे तो आपको लिखे हैं कि आपको खड़े नहीं होना है, आपको सिगरेट नहीं पीनी है आपको। और ये सबसे ऊपर और यहाँ पर अभी करना है, रुकना है हम लोगों को, फिर उतर के जाना है मंदिर के अंदर दर्शन करने। एक बार मैं आपको पीछे का नजारा दिखा दूँ। बाप रे बाप, हम लोग आ चुके हैं इतना ज्यादा ऊपर। आ गए हैं रोपवे स्टेशन के बाहर और ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम पे। यहाँ से इतना ऊंचाई पर आ चुका हूँ और अब हम लोग चलेंगे आगे, दर्शन की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत ही ज़्यादा है भीड़ यहाँ पे पीछे देखेंगे तो, और जाना है मंदिर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक पानी जैसा कुछ निकल रहा है, शायद इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। अब निकल रहे हैं बाहर। बहुत ही मनोहर दृश्य है यहाँ से, इतना मजेदार दृश्य। पर आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। लेकर के चलते हैं आप लोगों को सीता की रसोई में। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ऊपर सीता माता की रसोई बनी हुई है, वहीं पर आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर पीछे देखिए बढ़िया अच्छा सा रास्ता बना हुआ है। अब पता नहीं किधर जाना है हम लोगों को, कहाँ पर सीता माता की रसोई बनी हुई है।
बिल्कुल ही नॉर्मल सा है ऊपर तो। अगर यहाँ से नीचे का व्यू आप देखेंगे तो तब आपको लगेगा कि हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई में। यहाँ पर हम लोग पहाड़ की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है नीचे अगर आपको दिखाएं, सबसे ऊंचाई पर सीता माता की रसोई, ये देखिए एक व्लॉगर और मेरे पीछे व्लॉग कर रहे हैं जो कि सेल्फी स्टिक लिए हुए हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है नीचे का, थोड़ी सी धूप आ रही है सामने से। मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ अपने रियर कैमरे से। सीता माता की रसोई पता चला है आगे कहीं पर है, देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पर है सीता माता की रसोई, और जैसे ही मिलती है मैं आप लोगों को दिखाता हूं अगर वहां पर कैमरा अलाउ होता है तो। शायद से इधर से होगा कुछ रास्ता। यहाँ पर देखिए समोसे पकौड़े की दुकान है। सीता माता की रसोई तो नहीं मिली है, हो सकता है यही रसोई हो। सीता रसोई, सीता रसोई से बाहर निकल चुके हैं और अब फिर जाना है नीचे की तरफ। अब फिर से चल रहे हैं नीचे की तरफ, रोपवे स्टेशन की तरफ, और रोपवे से वापस जाना है नीचे, तो नीचे की तरफ निकलते हैं। काफी ज्यादा ऊपर आ गए थे हम लोग। सीताराम 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 कहिए। आ गए हैं और बैठ गए हैं फिर से रोपवे में, और वापस जाने का पूरी तैयारी है। अब यहाँ से फिर से वापस जाएंगे बिल्कुल नीचे की तरफ और फिर नीचे पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। मैंने तो मैं पहुँच चुका हूँ सती अनुसुईया के मंदिर में, और यहाँ पर मैं आपको पहुँच कर दिखाता हूँ कि कैसा है मंदिर और क्या है उसकी व्यवस्था। अगर वहाँ पर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं आपको उनके दर्शन भी करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, और ये शायद मंदाकिनी नदी यहाँ से बह रही है। अब हम पहुंच गए हैं कामतानाथ मंदिर के पास, पीछे कामतानाथ मंदिर है, और हम लोगों की जो कार है वो पार्क करवा दी गई है लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई है। पुलिस ने वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा रखी है क्योंकि यहाँ पे मेला लगने वाला है आज या कल में और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, इसलिए यहाँ पर उसे रोक दिया गया। और हम लोग पैदल वहाँ से चल के आए हैं लगभग 1.5 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर बाद ये मंदिर
तक पहुंच पाए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पूजा की सामान लेंगी मम्मी और फिर हम लोग अंदर जाएंगे पूजा के लिए। दोस्तों मेन गेट है बंद और हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। छोटा सा पतला सा रास्ता है, बिल्कुल सकरा सा, और इससे आगे बढ़ेंगे इस तरफ। चल दिए हैं मंदिर के अंदर। ये है प्रवेश द्वार मंदिर का और यहाँ से कामतनाथ मंदिर चल रहे हैं। दीपक नहीं लेंगे, दीपक मेरा नाम है भाई। अब हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए और बैठ गए हैं अपनी बुलेरो में। जितना घूमना था सारा कुछ घूम लिया। अब यहीं से करते हैं ब्लॉग के एंड। बाय बाय, टेक केयर, कल से पढ़ाई करना शुरू करिए।